नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम सेक्टर 18 की मार्केट अट्टा मार्केट में आए हैं और मार्केट का हालचाल जान लें, क्योंकि होली बेहद नजदीक है। लोग निकले हैं सड़कों पर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों से जानेंगे कि होली इनकी फीकी रहने वाली है या पिछले साल की तरह कोरोना का ग्रहण पड़ेगा, या फिर बेबाक तरीके से ये लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। तो चलिए दुकानदारों से पूछेंगे और जो यहाँ पर खरीदारी करने आ रहे हैं उनसे भी जानेंगे। मार्केट में आए हैं, क्या लग रहा है, उतनी पिछले साल की तरह इस बार की रौनक वैसी है होली की? मैडम, अभी तो देख रहे हैं आप जैसी है, मगर आने वाले टाइम में देखते हैं कैसी रौनक है। वैसे तो लग तो अच्छी रही है। देखिए, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन आपने बच्चे को भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, खुद भी मास्क नहीं लगाए हैं, क्या डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। लगा लीजिए ना मास्क। लगाएंगे। होली का त्यौहार मनाना है ना साथ में गले मिलके, तो मास्क लगाइए। बिल्कुल मनाना है, बिल्कुल लगा रहे हैं। बच्चे थोड़ा ना निकाल देते हाथ से, इसलिए मास्क तो नहीं है। ठीक है, तो पढ़ी लिखी है। अभी मैंने देखा कि आपका मास्क नीचे था, लेकिन जैसे ही मेरा कैमरा यहाँ पड़ा, आपका मास्क ऊपर हो गया। लेकिन नाक भी कवर करनी है मुंह के साथ साथ, अभी कोरोना खत्म होगा। आज शॉपिंग करने आई है? शॉपिंग करने आई है? या काइंड ऑफ। कैसा लग रहा है होली पे? होली अभी आई नहीं है, फील नहीं आ रही होली वाली। फील नहीं आ रही? आने तो वाली है, दो दिन रह आती थी ना बचपन में, जो फील आती थी वो वाली फील नहीं आ रही है। बचपन जैसी तो बात रही नहीं है, लेकिन मैं कोरोना के पर्पज से पूछ रही हूँ कि वैसा पिछले साल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है या पिछले साल से थोड़ा अच्छा है? नहीं नहीं, बाकी सब लोगों को देख के लग नहीं रहा कि कोरोना चल रहा है, सेम भीड़ है, सब कुछ वैसे ही है। मुँह पे सबने मास्क लगाए हुए हैं? हाँ, मतलब कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है। हाँ, वो उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है पुलिस के डर से। डर तो नहीं लग रहा है ना कोरोना का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भैया, होली का त्यौहार है और कोरोना का भी साया है, मास्क नहीं लगाया है गाइडलाइंस आने के बावजूद, क्या वजह है? मास्क खत्म हो गए? बोलो बोलो, शर्मा गिर रहे हो। अरे बोल दो भाई, लगा लेंगे मास्क। चलो यही बोल दो, मास्क लगा लेंगे मास्क। चलिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर खरीदारी बखूबी हो रही है, कंगन चूड़ी सब बिक रहे हैं, होली की तैयारी कर रही हैं जी। कैसा लग रहा है इस बार, पिछले साल से कुछ अलग है? अलग है मैम। डर तो नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, क्या करें, करना पड़ता है थोड़ा। कोरोना का डर लग रहा है? लग रहा है। परिवार को कितनी तरह से तैयार कर रही है होली के लिए? क्या बच्चे, आपकी बच्ची है ना, ये तैयार है? किस तरह से रंग खेलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा? होली नहीं खेलना इस बार, घर पे ही रहना है। इस बार घर पे रहना, होली नहीं खेलनी? अच्छा लगेगा, बच्चों से, अपने दोस्तों से नहीं मिलोगी, बच्चों के बीच नहीं जाओगी? नहीं लगेगा, घर पे रहना है, रंग खेलना है। खेलना है, लेकिन मम्मी तो मना कर रही है। फैमिली के साथ नहीं खेल रहे ना मैम इस बार, घर पे ही मना रहे, घर पे ही खेल रहे हैं। तो सुना आपने कि फैमिली के साथ ही सिर्फ होली का त्यौहार मनाया जाएगा, बाहर नहीं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरे हुए हैं उनके बच्चे कोरोना संक्रमित ना हो जाए। देखिए, आपने ना खुद मास्क लगाया है, ना बच्चे को लगा रखा है, डर नहीं लग रहा थोड़ा सा भी? बताइए बताइए, शर्माइए मत। देखिए, कोई बात नहीं, नहीं लगाया, आप लगा लेंगे, ये बोल दीजिए आप लगा लेंगे। अब लगा लेंगे, तो डरिए मत ना, लगा लीजिए मास्क। बढ़ रहा है ना कोरोना? हाँ हाँ, बढ़ रहा है। तो कुछ भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन रौनक कम नहीं हुई है। होली का त्योहार है, आप शॉपिंग करने आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि होली का त्यौहार है, कोरोना बढ़ रहा है, ये इस बार का त्यौहार अच्छे से मनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी पाबंदी लगा दी गई थी? हाँ, जैसे कि होली का त्यौहार है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों में डर नहीं है कोरोना का, जैसे कि आप देख पा रही हैं कि कुछ लोग मास्क के साथ, कुछ लोग विदाउट मास्क। एक्चुअली कि एक बार पेंडेमिक हो चुका है तो लोगों को पता है कि घर पर रहना, बट ये लोग रोक नहीं पा रहे, क्योंकि कब तक रोकेंगे लोग अपने आप को। तो यहाँ पर क्या है कि लोग विजिट कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, अभी होली का माहौल है, शॉपिंग भी कर रहे हैं, बट है कि लॉकडाउन वगैरह मेरे को लगता है कि लगाना चाहिए, क्योंकि लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है और लोग कहीं ना कहीं मास्क को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये बताइए कि होली कैसे मनाएंगे इस बार?
इस बार होली जैसे कि है कि कुछ लोग तो भी घर चले गए, आए नहीं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या है कि लोग अभी यहाँ पे हैं। होली तो मैं कहती हूँ आपस में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, फ़ोनों पर करना चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है होली हम खेलते हैं रंग या पानी के साथ में, तो हमें परेशानी होते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा है कि वाटर दिवस भी आया हुआ था, तो यहाँ पे पानी भी काफ़ी हम ज़्यादा खर्च करते हैं, हम तो जनरली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वही यूज़ करते हैं, तो वो वेस्ट होगा। तो बेटर है कि हम आपस में लोगों को केवल बात करके लोगों को समझा कर ही अब ये होली मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए, घर से ना निकलें, सेफ रहें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सुना आपने कितनी अच्छी बात कही है कि हमने विश्व वाटर डे भी मनाया था और कितने अच्छे तरीके से मनाया था, और इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है, हमें जो पानी खत्म होता जा रहा है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी है, लोगों को अवेयर करना है कि लोग अवेयर हों ताकि पानी भी बचाया जाए, साथ ही साथ होली का त्यौहार भी मन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ दुकानदारों से भी हम बात करेंगे। ज्वेलरी की शॉप पर मौजूद हैं और जो दुकान वाले भैया हैं वो भी हमारे साथ हैं। देखिए होली का त्यौहार है और हमने अक्सर देखा है कि होली पर अब लड़कियां जो है एथनिक पहनना पसंद करती हैं और एथनिक के साथ इस तरह की ज्वेलरियां पहनना पसंद करती हैं। कैसी बिक्री हो रही है क्योंकि त्यौहार सर पर है, दो दिन बचे हैं? अभी त्यौहार नहीं है, काम धंधा नहीं हो रहा है। काम धंधा नहीं हो रहा है, वजह क्या है? मंदी, लॉकडाउन का हल्ला है हर जगह। कोरोना वजह है? कोरोना की वजह है कि अभी मार्केट में कोरोना का डर मार्केट में दिखाई दे रहा है। जो लोग आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, क्या कहते हैं? कस्टमर अभी तो उतना आते नहीं, जो भी थोड़ा बहुत आते हैं तो बार्गेनिंग वगैरह पैसे है नहीं कस्टमर के पास, उतना मार्केटिंग कर सकता है। होली भी है, इससे पहले भी त्यौहार गया, इसलिए पैसे है ही नहीं कम, इसलिए मार्केटिंग नहीं हो पा रही। तो सुना आपने कि पैसे नहीं हैं और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं जो है हालात ख़राब हैं, लोग आते हैं बार्गेनिंग करते हैं, तो हालात जो हैं वो खस्ता हो चुके हैं और होली का त्यौहार है लेकिन वो जो रौनक है वो दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। तो सेक्टर 18 नोएडा की अट्टा मार्केट में हम मौजूद हैं और लगातार हम तस्वीरें दुकानों की आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर होली का त्यौहार बेहद नज़दीक है, भीड़ उतनी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इनसे हम जानेंगे दुकानदारों से कि बिक्री कैसी हो रही है, वो रौनक दिखाई दे रही है, कस्टमर कितने आ रहे हैं। देखिए मैम आपसे पूछूंगी, आप लड़की हैं और हमने देखा है कि आजकल होली पे ना एथनिक पहनने का बहुत क्रेज़ हो गया है, वाइट कुर्ती पहनना चाहती है, उसके साथ ज्वेलरी डालना चाहती है और आप यहाँ पर बहुत सारी कुर्तियाँ सुंदर सुंदर दिखाई दे रही हैं, कितनी कुर्तियाँ बिक रही हैं? कुर्तियाँ तो अभी कम बिकी है इस बार, बहुत कम। वजह क्या है? वजह कोरोना की वजह है, और क्या वजह है? मतलब कोरोना फिर से ग्रहण बनाए 2020 की तरह 2021 पर भी? हाँ क्यों नहीं, जरूरी। आप बताइए आप यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं, होली की शॉपिंग करने आई हैं? जी नहीं, शादी की। शादी की शॉपिंग करने आई हैं, तो वो कोरोना का डर नहीं दिखाई दे रहा मार्केट में, मतलब इतनी भीड़ है और आप आई हैं? इसलिए तो मास्क लगा के आई हूँ। मतलब सेफ्टी के साथ शॉपिंग कर? जी हाँ। ये आपके साथ ही है? तो देखा आपने पूरा परिवार जो है पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है और डर तो है कोरोना का लेकिन डर के आगे ही जीत है और मास्क लगाकर लोग जो है निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए। आप भी हैं, आप स्टूडेंट हैं? नहीं, जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, मार्केट में शॉपिंग करने आई हैं? हाँ, शॉप आज जॉब छोड़ के आई हैं। होली की शॉपिंग? तो क्या क्या खरीद लिया? अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा है। कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, अभी खास पसंद नहीं आया। तो बजट क्या है आपका? बजट तो अभी जैसे मैरिज के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन कोरोना की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास उतना बजट नहीं है क्योंकि ना तो इतनी इनकम हो पा रही है कोरोना की वजह से और ना इतना बजट है। इस बार होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, रंग वाले दिन है लेकिन होलिका दहन वाले दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या रौनक कैसी है और क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, अभी तक तो ज़्यादातर तो डर ही है, हर तरफ कोरोना का ही है, पर ठीक है। मतलब कोरोना के डर के बीच कहीं ना कहीं शॉपिंग भी चल रही है? चल रही है, ये कहा जा सकता है? चल रही है। आप बताइए कितना पूरे दिन में सेल कितनी हो जाती है, क्या वैसा जैसा कोरोना से पहले था वैसे हालात हैं? जी देखो, जैसे पहले थी सेल जो आती है वैसा नहीं है काम वाम, अब बहुत ही देख रहे भी आओगे मार्केट में कुछ भी नहीं है, इस हिसाब से मार्केट में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहती थी, कोरोना से डर से बहुत से नहीं निकल पा रहे हैं घर से, वही आप देख रहे हो। लेकिन बाहर तो कुछ ऐसे भी हैं जो भेदड़क होकर घूम रहे हैं, ना मास्क लगा रखा ना कुछ लगा रखा? वो बस इनको अपनी जान की परवाह नहीं है किसी को। आप इतने मैच्योर हैं, इतने समझ है आपको कि मास्क के बिना, आपको पता है कि मास्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, देखो मास्क लाना ज़रूरी है, देखो
एक और बात बताइए कि भीड़ तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूँ कि पिछले साल हमने देखा था कि होली जब तक आ रही थी तब तक कोरोना, सबको पता चल गया था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है जो अब इंडिया में आ चुकी है, उतना अच्छी तरह से होली भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। इस बार हमने सोचा था कि 2021 में हम बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आसार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, आपको दिखाई दे रहे हैं? ऐसा देखो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि इस हिसाब से माना जाए तो मतलब इन्हें भी जो आसार हैं नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए लगातार हम दुकानों का दौरा कर रहे हैं और जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कस्टमर से भी, दुकानदारों से भी कि हालात कैसे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे। आप बताइए कैसा लग रहा है कोरोना के बीच में होली का त्यौहार आ गया? मैम इस बार तो होली वाकई में ख़राब चलने वाला है, क्योंकि कोरोना का जो अफवाह चल रहा है मीन्स कि लोग एक तरह से डरे हुए हैं, जैसे पिछले साल जैसे लोग डरे थे इस बार भी वैसे ही माहौल हो गया, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि ये जो सेकेंड स्टेज आया कोरोना का वो काफ़ी मीन्स काफ़ी इन्फ्लुएंसिव है, मतलब पहले के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा मतलब नुकसानदेह है, तो लोग डरे हुए भी हैं और लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, और कई इलाकों में मतलब ये अफवाह है कि कर्फ्यू लग गया नोएडा में, तो इस कारण लोग यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब अफवाह की वजह से भीड़ जो है मार्केट में वो दिखाई नहीं दे रही है। एक चीज़ बताइए कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू हो चुकी है, नोएडा में अभी ऐसी कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में गाइडलाइंस आ चुकी है, वो गाइडलाइंस क्या, जो भी लोग आ रहे हैं कस्टमर वो पालन करें? आप दुकानदार हैं, आप पालन करवा रहे हैं उन कस्टमर से? उनको तो मैं कन्फर्मली वो बोल रहा हूँ मैम कि आप सैनिटाइज यूज़ करो, हैंड वॉश करो और मास्क पहन के शॉप में आओ, बाकी कस्टमर तो फॉलो करें इस चीज़ को। तो एक और शॉप पर हम आए हैं, लेकिन ये शॉप हमें बहुत ही सुनसान लग रही है और बहुत ही खाली लग रही है। चलिए दुकानदारों से जानते हैं कि क्या वजह है। भैया क्या वजह है, दुकान कितनी खाली है? एक्चुअली मैम आपको पता है कोरोना चल रहा है, इस कोरोना के चक्कर में पूरी मार्केट खाली और मोस्टली दुकानदार सारे हम बैठे हुए हैं। अब आने वाला टाइम अच्छा था, फिर आपको पता है न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं, फिर कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, कस्टमर हमारे आ नहीं रहे, काम धंधा है नहीं मैम, और किराया आपको पता खर्चा कितना है यहाँ पर अट्टा मार्केट में। सरकार भी इस बारे में नहीं सोच रही कि दुकानदारों को किराया कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नथिंग कुछ भी नहीं है, किराया उतना ही जा रहा जो पहले जा रहा था, फुल स्टाफ भी उतना ही मैम, काम नहीं है बस, अब काम नहीं है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन होली का त्यौहार है, देखिए बाहर तो मैं देख सकती हूँ कि भीड़ है, हालांकि उतनी नहीं है जितनी हमेशा रहती है। मैम देखिए यहाँ पे क्या ना, कस्टमर बहुत ही कम आ रहे हैं, आप भी रहे तो पटरी से ही खरीद रहे हैं मोस्टली, दुकानदारों पर आ नहीं रहे, क्योंकि जब तक पटरी लगती है मैम तो इसका आधा रीज़न ये है मैम, सस्ता चाहिए सबको, जो चीज़ हम यहाँ अच्छा बेचते हैं वो पटरी पर सस्ता मिलता है मैम, सस्ता मिलता है तो ग्राहक वहीं से ले लेता है। अब मैम इस टाइम रश इतना होता था शॉप पे, इतना रश होता था कि हमें टाइम नहीं मिलता था, आज की डेट में बिल्कुल भी काम नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 10 बजे आते और रात को 11 बजे जाते, काम नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हैं इतनी बड़ी शॉप है मेरी और कोई भी कंज्यूमर नहीं यहाँ पे। अगर चलिए तो बात होली की हो गई, शादी का सीज़न भी आ रहा है जा रहा है, उस पर क्या रौनक रहती है? मैम पहले इतना बढ़िया काम था हमारा, इतना खुश थे हम लोग, जब से कोरोना चला पूरा लॉकडाउन में सीजन में लॉकडाउन हो गया, अब फिर थोड़ा सा पिकअप आने का काम है अप्रैल से, उसके बाद फिर पिकअप दोबारा, ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं आप, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है मैम, देखिए हर आदमी डरता है, सोचता है कि मार्केट जाऊं, अब थोड़ा काम चलता फिर कोरोना शुरू हो गया तो यानी लोग डर रहे हैं। बिल्कुल डर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप जैसे कस्टमर आते हैं आप उन्हें समझाते हैं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करिए, आप खुद कितना कोरोना का प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं? आपने मास्क क्यों उतार दिया पहले बताइए? जी मैं मास्क लगा लेता हूँ मैम, एक्चुअली मैं देखिए मास्क के लिए बोलते हैं हम, सैनिटाइज के लिए बोलते हैं और थोड़ी दूरी डिस्टेंस के लिए बोलते हैं, पर मैम इतना क्राउड ही नहीं है तो हम बोले किसको, क्राउड हो तो बोले मैम, अभी इस टाइम आपको पता बिल्कुल काम नहीं हो तो मैम, दोबारा होली का टाइम है ये, इतना भीड़ इतना गैदरिंग होती थी यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग है, आप देख लीजिए, तो आप सोचिए मैम दुकानदार कैसे अपने बच्चे पालेगा और कैसे खर्चे आएंगे दुकान के, गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, हमारी थिंकिंग में हमें और आपसे हम कह सकते हैं इस आबाद को आप आगे बढ़ाइए, है ना मैम, आप खुद देखिए होली में क्या है, लगी नहीं रहा होली है, त्यौहार है, फेस्टिवल है। तो सुना आपने दुकानदार का दर्द कि परिवार ये कैसे पालेंगे, क्योंकि कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं, कोरोना की वजह से भीड़ बिल्कुल खाली हो चुकी है और दुकान का रेंट बहुत ज़्यादा है जो कि नहीं निकल पा रहा है, परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, त्यौहार सोने जा रहे हैं, अब आने वाला समय क्या कहता है देखने वाली बात होगी। होली की शॉपिंग करने आई है? नहीं नहीं होली की नहीं, शादी। शादी की शॉपिंग करने आई है तो मास्क तो ऊपर कर लीजिए। सॉरी। डर नहीं लग रहा कोरोना का? लग तो रहा है, अब लग गया। अब लग गया कोरोना का डर। अच्छा ये बताइए कि होली की रौनक दिखाई दे रही है मार्केट में? दिख तो रही है। और
मतलब उतनी भीड़ है जितनी हमेशा होनी होती है अट्टा मार्केट में? नहीं, इससे थोड़ी कम है। कम है मतलब डर है लोगों में कोरोना? हाँ जी। आप अवेयर हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए, ये अवेयर है कोरोना को लेकर और दुकानदार भाई साहब है, उनसे पूछ लेंगे। भैया ये बताइए कि जैसे हमेशा सेल होती है अट्टा मार्केट में, अब इतनी बड़ी शॉप है आपकी, क्या होली के त्यौहार पे उतनी हो रही है? इस समय आपकी बार होली बहुत खराब चल रहा है। बहुत खराब चल रही है होली? आपकी बार खराब है। क्या वजह क्या है? कोरोना? कोरोना की वजह से लोग यहाँ मार्केट में नहीं आ रहे हैं। फिर भी एक दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? आ जाते हैं 10-20 कस्टमर। अच्छा ये बताइए क्या क्या खरीद लिया? अभी तो कपड़े खरीद रहे घर के लिए। कपड़े खरीदे? लग रहा है कि होली का त्यौहार आने वाला है, मार्केट में भीड़ है ऐसी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना? नहीं है। 2020 से भी बेकार है क्या? बहुत बेकार है। 2020 में गैदरिंग हो गई थी, इस बार क्या सोचा है गैदरिंग करेंगे? नहीं सोचा नहीं है। डर लग रहा है ना? परिवार को कितना ज्यादा अलर्ट रख रही है कोरोना को लेकर? ये आपकी मम्मी है साथ में? अच्छा सिस्टर है आपकी। आप ये बताइए कि कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है, अब क्या तैयारी है आपकी होली को लेकर? परिवार को कैसे समझाएंगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी होंगे घर में? बच्चे तो हैं पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, बीमारी से तो लड़ना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए बस। क्या क्या खरीद लिया होली के लिए? फिलहाल तो अभी कपड़े की शॉपिंग चल रही है, अब आगे देखते हैं। रंग वंग खरीद लिए? अभी फिलहाल नहीं लिए। अभी नहीं लिए मतलब अब लेंगी आगे चल? लेंगे लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है ना। क्यों होली नहीं बनानी? होली बनानी है पर अभी अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, रख के ही देखेंगे हम हर चीज सोच समझ के। ऐसे कर रहे हैं? कोरोना का डर नहीं लग रहा? कोरोना का तो डर ही आए बच्चे के काम। होली के लिए नहीं खरीदा कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं होली के लिए। क्यों होली नहीं मनाएंगे बच्चों के? होली नहीं मनाएंगे? होली कहाँ मनाएंगे, अभी तो वैसे ही डर लग रहा है। कोरोना का डर लग रहा है? डर तो है ही। रौनक दिख रही है मार्केट में होली की? क्या कुछ नहीं दिख रही है उतनी। बच्चे के काम से आई थी? हाँ बच्चे को कोचिंग छोड़ने के लिए। अच्छा कोचिंग छोड़ने आई थी, तो बच्चे अलर्ट हैं कोरोना को लेकर? हाँ जी बच्चे तो अलर्ट है। फैमिली में बोल दिया कि गैदरिंग नहीं करनी है, जाना नहीं है किसी के साथ, भीड़ में नहीं जाना है होली के दिन? नहीं जाते हैं वो, अपना कोचिंग से घर जाती है, अभी तो एक साल पे तो खुली ही है। अच्छा तो नहीं त्योहार, मैं होली के लिए पूछ रही हूँ कि होली के लिए तो पूरी तैयारी हो गई होगी? कुछ नहीं हम लोग होली के लिए, होली नहीं मनाएंगे कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से ही और किसके लिए। तो अट्टा मार्केट में देखा आपने कि भीड़ रोजाना के हिसाब से ज्यादा नहीं है, जैसी हुआ करती थी वैसी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, और होली के पर्पज से भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। कई कस्टमर्स कई दुकानदारों से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि कोरोना का डर है इसी वजह से हम मार्केट में नहीं आ रहे हैं या कम आते हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं यही वजह है, कोरोना कोरोना ही जड़ है और इस वजह से ही कस्टमर्स उनके पास नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उन्होंने कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ मार्केट में हमने ज़रूर देखा है कि लोग पूरी तरह से अवेयर ज़रूर नज़र आ रहे हैं, डर कोरोना का दिखाई दे रहा है और इसी वजह से होली का त्यौहार भी फीका नज़र आ रहा है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं काजोल नारायण, न्यूज़ वाल इंडिया के लिए।